हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको एस्पेरेगस की एक वैरायटी आपको दिखाने जा रही हूँ। यह है एस्पेरेगस पिरामिडेलिस, एस्पेरेगस सिडेसियस पिरामिडेलिस इसका बॉटनिकल नेम है। और ये एज अ आउटडोर बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है, और अगर आप इंडोर रखना चाहे तो भी अच्छी तरह से ये आता है। इंडोर ऐसी जगह रखिए, इसको 2-3 घंटे की सुबह की धूप लगे ऐसी जगह रखेंगे तो ये इंडोर भी ग्रो कर सकता है। ये थोड़ा सा डेलिकेट वैरायटी है, या फिर एस्पेरेगस की ये डेलिकेट स्पीसीज है, और थोड़े से केयर लेने की ज़रूरत होती है इसकी, अदरवाइज़ ये अच्छी तरह से ग्रो होता है। ये मेरे पास है, इसके अच्छी तरह से शूट्स निकल आ रहे हैं। अभी भी ये प्लांट बहुत छोटा है मेरा, और बहुत ही एक छोटे से टेराकोटा पॉट में मैंने लगाया है। इसका सॉइल मिक्सचर जो होता है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। और अगर आप एस्पेरेगस ये वैरायटी लगाना चाहते हो तो टेराकोटा के पॉट में आपको मैं सजेस्ट करूंगी टेराकोटा का पॉट, क्योंकि इसके जो राइजोम्स होते हैं उसमें पानी स्टोर करने की टेंडेंसी रहती है, और ज़्यादा पानी हो गया या फिर एरेशन सॉइल में अच्छा नहीं हुआ तो कई बार इसके जो राइजोम्स होते हैं वो डीके हो सकते हैं, और या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से मर सकते हैं। तो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए सॉइल मिक्सचर में आप 30-30-30% का कंपोजिशन ले सकते हो, 30% सैंड, 30% सॉइल और 30% कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हो। इस प्लांट की जो ये अपराइट ग्रोथ होती है, इसी वजह से इसका नाम पिरामिडेलिस पड़ा है। और ये लेस फर्न की नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो डेलिकेट लीव्स होते हैं इसकी वजह से इसको लेस फर्न के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस प्लांट में आप जो देख रहे हो वो 3 कलर के आपको कलर कॉम्बिनेशंस दिख रहे होंगे। ये जो येलो हुआ है ये पूरी तरह से अब लीव जाने वाला है, येलोइश हुआ है वो। और ये जो ग्रीन दिख रहे हैं लीव्स इसके, ये मैच्योर्ड लीव्स है। और ये नियॉन कलर के जो छोटे छोटे शूट्स दिख रहे हैं आपको, ये इसके यंग लीव्स है। बहुत ही सुंदर और डेलिकेट रहते हैं इसके लीव्स, और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है ये प्लांट। अगर आप घर में रखना चाहते हो तो विंडो के पास आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसके जितने भी शूट्स आएंगे आपको अपराइट ही उसकी ग्रोथ होगी, और ज़्यादा अगर ये हाइट इसकी बढ़ने लगी तो सपोर्ट दिया तो भी चलता है इस प्लांट में। ये प्लांट राइजोम से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसलिए इसको वाटरिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब सॉइल ड्राई हो उसी टाइम ही आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। उसके साथ साथ इसका जो ड्रेनेज होल है वो भी अच्छी तरह से खुले रहना चाहिए, या फिर इसका ड्रेनेज होल भी आप चेक करते रहिए, ब्लॉक कहीं भी ब्लॉक इसका नहीं हो ड्रेनेज होल का, ऐसा आपको ख्याल रखना होगा। तो ये था एस्पेरेगस की एक वैरायटी, एस्पेरेगस पिरामिडेलिस। अगर आप लगाना चाहते हो तो ये नर्सरी से मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है। अगर आपको ये प्लांट चाहिए तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और एस्पेरेगस की बहुत सारी वैरायटीज़ है जो एज अ गार्डन प्लांट करके लगाते हैं, वो सारी वैरायटीज़ बहुत ही सुंदर लगती है मुझे। और मेरे पास भी एस्पेरेगस की 6-7 वैरायटीज़ है, मैं एक एक के बाद इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये दूसरा प्लांट है मेरा एस्पेरेगस का, इसके पहले मैंने फॉक्सटेल के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हो। इस प्लांट के सनलाइट के बारे में बात करेंगे तो ये सेमी शेड एरिया में अच्छा आता है, ज़्यादा स्कॉर्ची सनलाइट इसको पसंद नहीं है। ज़्यादा धूप में ही इसकी ग्रोथ श्रिंक हो जाती है, या फिर इसके लीव्स भी जल्दी ड्राई होने लगते हैं, और ज़्यादा हॉट सॉइल हॉट होने के बाद इसके राइजोम्स भी ड्राई होके मर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी केयर लेंगे तो ये आपके घर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगा। अगर ये प्लांट इस प्लांट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।